देखिए प्रोजेक्ट के थीम के बारे में तो डायरेक्टर साहब बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शंभू जी, उदय जी, राजेश कुमार जी इस फिल्म के निर्माता हैं, मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध है, मैं उनकी खुशी में शामिल होने आया हूँ, उनको आशीर्वाद देने आया हूँ, शुभकामना देने आया हूँ। और दूसरी खुशी है कि हमारे नौजवान नायक गुंजन जी हैं, शमीम जी हैं, और हमारे स्ट्रगल के दिनों के साथी और हिंदी सिनेमा से लेके भोजपुरी में अपनी पहचान बनाने वाले अली खान साहब हमारे साथ हैं। तो ये खुशनसीबी है जो ज़िंदगी में कभी कभी मौका लगता है, उस खुशी में शामिल हूँ। फिल्मों की बात तो फिर डायरेक्टर करेंगे, निर्देशक करेंगे, या जब सेट पर रहेंगे हम लोग तो ऐसे करेंगे। ऐसा तो नहीं कि बस ये आखिरी मुलाकात तो नहीं होगी, मिलते रहेंगे। तो सर ये भी जानना चाहूँगा कि इतना अनुभव है आपको अभिनय क्षेत्र में, तो अभी आज के दौर में जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो क्या देखते हैं, टीम कैसा होना चाहिए, जो किरदार है क्या प्रेफर करते हैं? देखिए हर वाहिद इंसान और या कलाकार दो तरह से फिल्में करता है। अब जिस दौर में मैं पहुंच गया हूं, कोई ख़ास किरदार हो और डायरेक्टर को यही लगे कि इसके अलावा इसको और कोई नहीं निभा सकता, वैसा किरदार मिलता है तो मैं करता हूं, या फिर मैं संबंध निभाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए और मैं किसी तीसरी वजह से फिल्म नहीं। अली साहब कहना चाहूँ क्या किरदार निभा रहे हैं और क्या किरदार? सबसे पहले तो जैसा कि कुणाल जी ने कहा, पुलिस जी को ग्राम नगीना जो फिल्म है भोजपुरी में, शोभ पिंडे जी, उदय जी, राजेश जी, शौकत भाई जो डायरेक्टर हैं, इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। कुणाल जी जो बहुत लेजेंडरी एक्टर हैं, हम लोग इनकी फिल्में देख के बड़े हुए, आज इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और इसके पहले मैं इनके साथ बहुत फिल्मों में काम कर चुका हूँ, भोजपुरी में, हिंदी में, बिहार की शान है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग अब चूँकि इतना काम वाम हो रहा है तो कई दफ़े ऐसा होता है कि हम लोग ये पूछते हैं कि मेरा रोल क्या है, इसके बाद हाँ कहते हैं और मुहूर्त अटेंड करते हैं। और ये सच्चाई है कि आज काम बहुत कम है, लेकिन जो भी काम शुरू हो रहा है, अच्छी फिल्में बन रही, अच्छा काम हो रहा है, तो मुझे इन लोगों से भी बड़ी उम्मीद है। जैसे कि शिविर पहले भी इस फिल्म में के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, गुजरने के साथ भी कर चुका हूँ, तो इस फिल्म में मैं अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहा हूँ, जैसा कि शंभू पांडे जी ने बताया और उदय जी ने बताया। ऑफकोर्स अब तो चुके इम्पोर्टेंट ही काम कर रहे हैं। जी हाँ, अली सर ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए वो तो पूरे हिंदुस्तान से आप मीडिया के ज़रिए, लोगों के, आवाम के ज़रिए सब सुन रहे हैं, और इस मुल्क में अपनी आवाज़ उठाना अब ये हमारे संविधान में है और लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो कई जगह जाके भी आए, लोगों से भी मिले, और ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि सडनली ये चीज़ सामने आई है जिसके बारे में इससे ज़्यादा ज़रूरी हिंदुस्तान को आज नौजवानों को रोज़गार चाहिए, अर्थव्यवस्था जो ढीली हो रही है, हम जिस मंजिल को पाना चाहते हैं हम नहीं पाते हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर की माँ बहनों से पूछिए वो कैसे घर चलाती हैं। तो हिंदुस्तान की समस्या ये है ना कि NRC और NPR ये समस्या है, तो ये वे वजह कि एक समस्या खड़ी कर दी गई है जिसमें हिंदुस्तान का इंसान आज उलझ के रह गया है। सर आपसे जी सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे पांडे जी को, उदय जी को और राम नगीना की पूरी टीम को, कि नया साल है, पहला महीना है और इन्होंने अपनी फिल्म का मुहूर्त रखा है, जैसे कहते हैं ना साल का शुभारंभ हुआ है, तो मैं इसी तरह उम्मीद करता हूं और यही दुआ भी देता हूं कि इनकी फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म बने और सभी को बहुत पसंद आए और खूब नाम मिले। सर एक फॉर्मस वाला जुनून साहब से आप देख रहे इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री की बात करें मराठी की या साउथ की, इतनी अच्छी फिल्में बनाते हैं, कॉन्टेंट, बजट सब, तो भोजपुरी के हिसाब से देखा जाए तो आपसे क्या बदलाव अपने आपने क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव आना चाहिए अभी? तो भोजपुरी ने अपना एक रिकॉर्ड ऑल ओवर कंट्री में एक झंडा गाड़ा है, भोजपुरी अच्छी फिल्में बन रही है। अब चूँकि फिल्में
कुछ बड़े बजट की होती है, कुछ छोटे बजट की होती है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे कुणाल जी को है, वो बताएंगे कि आज देखिए किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म की कामयाबी अगर घर की महिलाएं उसकी दर्शक नहीं हैं तो जीवन में कभी नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा, यहाँ की हर भाषा को हम सम्मान देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी भाषा पे गर्व करना होगा, अपनी भाषा को भी प्यार करना होगा। और उसमें चाहे साहित्य हो या फिल्म हो या जो भी कला से जुड़ी हुई चीज़ें हों, उसको आपको सराहना होगा, उसको अपनाना होगा, उसको प्यार करना होगा। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम कहीं ना कहीं नकली होने लगे हैं, अपनी ही पहचान हम खोने लगे हैं। तो नतीजा ये है कि ना हम दूसरे की तरफ बन पा रहे हैं, और जो हम हैं, अगर हिंदुस्तान के सिनेमा की बात की जाए तो भोजपुरी छोड़ के हिंदुस्तान सिनेमा का कोई वजूद नहीं है। ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में भी फिल्मों में भोजपुरी शब्द गानों में अचरवा, कजरवा, पवनवा, न जाने ऐसे कितने शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो हिंदुस्तानी सिनेमा को भोजपुरी से अलग नहीं किया जा सकता। और ये आज की युवा पीढ़ी, हमारे निर्माता, निर्देशक और हम साथी कलाकारों को ये साबित करना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। सर, और जो प्रोजेक्ट्स क्या देना चाहूँगा? जी, प्रोजेक्ट्स आजकल बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है हिंदुस्तान में। इतनी समस्या है कि फिल्मों का नाम नहीं याद रहता है। जब पहुंच जाता हूं तो याद आता है कि हाँ, इस फिल्म का नाम ये है। और कई बार ऐसा होता है कि फिल्मों का नाम आप कुछ बोलिए और जब रिलीज होने लगती है तो नाम। मैंने ही एक फिल्म बनाई थी, चोर पुलिस। उस फिल्म को मैं सेंसर सर्टिफिकेट तक पास करवाया चोर मचा शोर के नाम से, और रिलीज के एक हफ्ता पहले मेरे ऊपर एक नोटिस आ गया कि इस टाइटल का कॉपीराइट। नतीजा हुआ कि मुझे चोर पुलिस के नाम से दोबारा सेंसर करानी पड़ी। तो आजकल जब पोस्टर बन जाए तब फिल्मों का नाम लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। फिल्में कई हैं, जैसे ये मकसद तो मिशन एक हिंदी है जो रिलीज़ हुई है, अनुप जलोटा जी के प्रोड्यूसर में, रेनबो है, जो एक बहुत अच्छा मैसेज है कंट्री के लिए। मेरे भतीजे ने, दिलावर ने डायरेक्ट किया उस फिल्म में। और कुछ भोजपुरी भी है, हिंदी भी है। तो बस जैसा कुणाल जी ने कहा कि आज पूरा जो देश है ऐसी उलझनों से गुजर रहा, ये सच्चाई है कि न फिल्मों में काम करने में दिल लग रहा, न किसी और बिजनेस में दिल लग रहा है। हर आदमी को चिंता है इस मुल्क की, आज के हालात की। और मैं ऊपर वाले से, मालिक से दुआ करता हूँ कि हालात जल्द से जल्द ठीक हों, और जो हम सबका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो प्यार है वो कायम रहे। ऐसी दुआओं के साथ आप सबके चैनल से, आप सबसे भी दुआएं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर आप सब भी गौर करें और इस मुल्क के लिए दुआएं। थैंक यू सो मच। ये राम नगीना फिल्म बा, सबसे पहले हम भैया चाचा माई बहन भौजाई सब केहू के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करतनी गोड़ लागत। आज वो फिल्म के मुहूर्त भैल बा जेकर नाम बा राम नगीना, और एक मतलब एक्शन फिल्म है ये, बहुत अच्छी कहानी है और जैसा कि इसका नाम है। और बाकी तो सबके बीच जब आएगा तो सब भाई लोग देखेंगे और मस्त हो जाएंगे। स्टोरी तो विशेष रूप से डायरेक्टर साहब बता पाएंगे भैया। हम इतना जानते हैं कि अच्छा फिल्म बाटे और एक्शन बा, गाना बहुत अच्छा अच्छा बा एकरा में, और आज गाना के एगो रिकॉर्डिंग भी बाटे और हम लोग बढ़िया से दिल से इसमें काम करें। जी, सबसे पहले मीडिया के थ्रू शंभू पांडे जी, उदय जी, परवल जी और हमारे गुंजन जी बैठे हुए साथ में, और हमारे मेगा स्टार आए हुए थे कुणाल जी, अली खान जी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इतने बड़े पैमाने पर जो मुहूर्त हो रहा है और साल के शुरुआत में हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, राम नगीना एक ट्रू स्टोरी है, इतना मुझे पता है। बाकी स्टोरी के बारे में तो अभी आप, जैसा इन्होंने कहा कि डायरेक्टर बताएंगे, तो एक बेहतरीन फिल्म है, एक्शन फिल्म है, मसाला फिल्म है, सब दर्शकों को मज़ा आएगा। इसके निर्माता शंभू पांडे जी हैं, उदय सिंह जी हैं, और इसके निर्देशक रुस्तम जी। तो शंभू जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने खुद ही स्टोरी को ये किया है,
तो एक बेहतरीन फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी फिल्म बन के जब जनता के बीच में आएगी, दर्शकों के बीच में, दर्शक कितना प्यार देते हैं। ये मैं म्यूजिक कंपनी से हूँ। अच्छा, म्यूजिक कंपनी दिल्ली कंपनी है। क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? अब शुभकामनाएं यही है कि जो पिक्चर बने, अच्छी पिक्चर बने। हम लोग म्यूजिक कंपनी वाले हैं, उसको खरीदें तो अच्छे से उसको मार्केट में प्रमोट करें, प्रॉफिट हो, बिजनेस आगे बढ़े, और बिजनेस भी आगे बढ़े, इसीलिए पहले आ गए हैं ना। और सर इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट करना बताइए? इसके अलावा मेरा भी एक किडनैप आने वाला है, और 9mm पिस्टल, चल जीले, और सजाई न डोली, और मैं तेरा बॉयफ्रेंड, बाकी सब लाइन से ढेर सारा फिल्म है। अभी टीएफ कंपनी भी एक फिल्म बना रही है बहुत जल्द, आज हम लोग की बात हो रही थी। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी फिल्म आ रही है 14 फरवरी को, मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें हमारे बड़े स्टार दिनेश लाल यादव जी, अम्रपाली जी हैं। वो फिल्म आप सभी को पता है कि मुकद्दर का सिकंदर आ रही है। उसके बाद मेरी फिल्म आ रही है दीवार, और एक फिल्म आ रही है महारथी। दो तीन चार प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं मैं लिमिटेड सब्जेक्ट करता हूँ, और जो अच्छे सब्जेक्ट होता हूँ वही करता हूँ। सर इसमें आपके कितने गाने रहेंगे, किस तरह के गाने रहेंगे? गाना तो रहवे ना करी, गाना ना रही फिल्म कैसे चली। गाना तो चार पांच को रहवे करी, जैसन कहानी मांगी गाना, ऐसे एगो गाना एक में हम रखे चाहत नी, अभी हमने की बात होत रहे। हर खुलल के सिया के हवा तनिया बेदा, बस एक बार कोरबा में समा जाएदा, खुलल के सिया के हवा तनिया बेदा। अरे गाना तो ढेरे बा अभी, लाइन से गाना अभी होली भी आइल बा कि माल हमर चल गई मामा गावे, कि ओकरा बिना माल हमर चल गइल मामा गावे, ओकरा बिना कैसे मनी फगुआ हवे, माल हमर चल गइल मामा गावे। आज भी गाना रिलीज भइल बा, मारेंगे ज्यादा घसीटेंगे कम, मेरा मलिया को कौन लगाया है रंग। गाना तो एक से एक होली में आ रहा है, और सब दर्शक लोग का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है, जैसे कि मिलता है मेरे लिए, भगवान है दर्शक। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, उदय भैया, शंभू जी, और मीडिया के जितने लोग हैं, सबको नमस्कार दिल से। सर ये राम नगीना फिल्म का टाइटल, तो इसमें क्या नगीना नाग टाइप का कुछ इसमें सीन है कि टाइटल है? ये तो डायरेक्टर साहब ज़्यादा इसका एक्सप्लेन करेंगे क्या कि। अच्छा, आप लोगों की जोड़ी कैसी रहने वाली है इस फिल्म में, क्या करने वाले? राम ये है, नगीना मैं हूँ। अच्छा, तो ये तो बता दूँ कि सांप का कोई चक्कर नहीं है, दो दोस्तों की कहानी होगी, दो भाइयों की होगी, जो सब मुझे लग रहा है। सांप उपना रहेगा, मैं सब में सांपे रहेगा। अरे कि तोरा ससुरा में जाके हम किन बहू जमीन, वही बैठे बवाटा चक्की के मशीन। इस गाने को भी सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, लगभग 6 करोड़ लोग इसे देखा है, और सब गाने को आशीर्वाद देते हैं, ऐसी फिल्मियों लोग देखा तड़े, और सबका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, जय हो। सर बहुत कम समय में एक अच्छे मुकाम आपने हासिल कर लिया है, एक के बाद एक आपकी फिल्में आ रही है, उसके पीछे किसके हाथ है, क्या कहते हैं? देखिए, हमको तो जीवन में शुरुआत से ही मेरा मन था कि हम पहले गायकी में, सब कोई आगे बढ़ता है, हम भी आगे बढ़ें, और यहाँ मुंबई में एक कैमरा, जूम कैमरा लगा रहता है कि कौन गायक हिट हुआ बिहार में, उसको बुलाया जाए और हीरो बनाया जाए। तो उस समय दौर शुरू से ही चलता आया है, हमारे जैसे मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी, खेसारी भाई, दिनेश जी, जितने भी गायक आए हैं सब हीरो हैं, और शुरू से तो हम लोग को भी इसी तरह से लोग देखे और बुलाए, और उस समय से लगातार फिल्म आ रही है, नसीब, फिर खुददार, उड़ान, अभी 9mm पिस्टल, जितना भी फिल्म है, तो सबका आशीर्वाद मिलता है, और कहीं ना कहीं सब लोग बहुत प्यार करते हैं, और बस ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। भोजपुरी में कॉपीराइट का मसला आजकल बहुत उछाल मार रहा है, गाने को लेकर के सारे लोग, दो सिंगर, तो आपका क्या कहना है, कॉपीराइट चल रहा है आजकल, किस लेन कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब
अब जब दोनों दूगो तीन गो लोग अपने आप में जब करत तो हम एक पर कुछ ना बोल भैया कहीं हम बोलब तो बवाल हो जाए इस कारण से हम कुछ नहीं बोलेंगे बस सुधार करें लोग इस तरह का बात नहीं होना चाहिए और सब अपना अपना गाना गावे बस यही चाहते हैं। दर्शक से हम यह कहब कि जैसे आप लोग मुझे अपना बेटा भाई भतीजा समझते हैं इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं हर गाने को सुनते हैं ऐसे सुनते रहें और फिल्म को भी मेरा देखते रहें जैसे कि आज हॉल में लगने के बाद यूट्यूब पे पिक्चर भी अच्छा चल रहा है तो यूट्यूब पे भी लोग सब देखें और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दें और असही प्यार बनवले रहें। आपने दर्शकों से क्या कहना? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब के साथ साथ मैं तो ये बोलूँगा कि यूट्यूब पे जितना प्यार दे रहे हैं उसी तरह सिनेमा हॉल में भी दें कि प्रोड्यूसर क्या है कि प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो फिल्म बनाएगा तो मैं ये चाहूँगा कि एक बेहतरीन फिल्म को दर्शक लोग सिनेमा हॉल में देखें और उतना ही प्यार यूट्यूब पे भी। थैंक यू धन्यवाद। हाँ बोलिए ना। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं रुस्तम अली चिश्ती इस फिल्म का निर्देशक हूँ और आज हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं जिस फिल्म का नाम है राम नगीना और स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो कुणाल जी हैं जो अभी अभी आए थे मुहूर्त में उनके शुभ हाथों से हम लोग मुहूर्त किए नारियल तोड़ के और समीम भी आए हैं गुंजन सिंह हैं और ये रितु सिंह एटी से बहुत सारे आज भी है संजय पांडे वगैरह आशुतोष भी है सारे लोग हैं और हमारे साथ में एक पार्ट हीरो का ये भी कर रहे हैं मेरे भैया पवन भैया। सर आपसे कहना चाहूँगा जी, सबसे पहले अपने मीडिया बंधु को प्रणाम और भोजपुरी श्रोता को प्रणाम। मेरा नाम पवन दादा किरदार है हम लोग तीनों भाई हैं। अच्छा। अब कुछ अपने बारे में बताइए जो प्रोजेक्ट पहले किया है जो आगे करने वाले हैं। ये रुस्तम भाई बताएंगे। नहीं हमारे भाई बताएंगे। रुस्तम भाई बताइए इनके बारे में। अभी इनका जस्ट में फिल्म एक रिलीज हुआ था जिसका नाम था किंग डॉन नंबर वन और जस्ट प्रमोद प्रेमियर ये दोनों आदमी एक साथ हीरो में थे और नेक्स्ट मेरे साथ एक और प्रोजेक्ट इनका आने वाला है जिसका अभी हम लोग बहुत जल्द मुहूर्त करेंगे और जल्द शूट को भी जाएंगे। मैं नाम बताइए आपसे कहना चाहूँगा। नाम बताइए बताइए क्या करना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता भट्टाचार्य है। मैंने इससे पहले भी भोजपुरी किया हुआ है, आइटम सॉन्ग भी किया है, एज ए लीड भी मैंने साइन किया हुआ है और इसमें भी कर रही हूँ। एक अच्छा कैरेक्टर है, कैरेक्टर सर बताएंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने हाँ बोला। बाकी सर को पता है अभी तक किया नहीं है। एक्चुअली में हम थोड़ा सा फिल्म के बारे में इस फिल्म की कहानी है जो है आप गैंग ऑफ वासेपुर आप लोग देखे होंगे हाँ तो उसी टाइप की स्टोरी है, रियल स्टोरी है और जिससे जो है मतलब अपनी यूपी की स्टोरी है। यूपी मतलब यहाँ क्या बोलते हैं इसको सलेमपुर की स्टोरी है हाँ। तो इसमें मतलब हम लोग तीन चार भाई रहते हैं, एक संजय पांडे जी नहीं हैं, मतलब चार भाई रहते हैं। अब पापा मेरे बाप का कैरेक्टर कर रहे हैं डॉक्टर एस डी गौतम गोविंदा और अविनाश फिल्म प्रोडक्शन मेरा है, आप लोग को तो पता ही होगा। हम लोग 16 फरवरी से शूट पर जा रहे हैं देवरिया में और सब कुछ रेडी है, बस आज से गाना हमारा रिकॉर्डिंग सुबह आरंभ हो गया और जल्द से जल्द हम लोग गाने पूरे कंप्लीट करके और 16 तारीख के पक्का हम शेड्यूल के लिए निकल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं हमारे बड़े भैया मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चले हैं और बहुत सारा उनसे सीखने को मिला। आज मुझ पर भरोसा करके आज फिल्म को निर्देश करने का मुझे मौका दिए जिनका नाम है शंभू पांडे और उनके साथ में उदय भैया भी है, उदय सिंह जी। और अभी मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अभी मेरा 3 पोस्ट चल रहा है जन्मदाता, अभी हम बनारस से करके आए और उससे पहले हम राजस्थान से करके आए, मेरे चाचू की शादी में ज़रूर आना। और ऐसे तो मेरा
6-7 फिल्म रिलीज हो चुकी है और 3 पोस्ट पर है अभी, रेड लिस्ट हो गया, जन्मदाता हो गया, मेरे चाचू के साथ में जरूर आना। अभी हम जान इस फिल्म के जस्ट बाद नगद नारायण करने जाने वाले हैं ये विजय खरे प्रोडक्शन से। और पवन भाई के बारे में बता दूं कि ये अच्छा सिंगर भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप भी गुनगुना दो भाई। दो लाइन बस आ रहा है कि वो जिसका मतलब बहुत सारे लोग गा रहे हैं, तो थोड़ा सा शुरुआत से बचपन से ही शौक था कि जो है सिंगिंग करूं, कि उसके बोल है कि धूम हित के एक बिहित तारे खेल देखित बिहित तारे, ये मेरे गाने का बोल है गजब। और शुरुआत कर रहा हूँ अभी, मतलब पहले अभिनय में पहले उतर गया हमारे रामचंद्र भाई जो है आए हैं अभी, इनको नमस्कार। कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर वही है तीनों भाइयों का कैरेक्टर वही है इस फिल्म में, तो थोड़ा सा लुक चेंज करना पड़ता है। अब एक्टर हैं तो भाई जो है बीइंग एक्टर यही तो फायदा होता है, हम बहुत कुछ रूप धारण कर सकते हैं। की बात की जाए तो आपकी जो फिल्म आई थी मैं सुपर किंग डॉन, उसमें आप अंडर कवर कॉस्ट्यूम, हाँ इसमें क्या होने वाले हैं? इसमें हम लोग माफिया बनने वाले हैं और अंकिता जी उसमें आइटम सॉन्ग की थी, इसमें हीरोइन है, क्योंकि हम लोग मतलब माफिया खत्म कर देकर खुद माफिया बन गए, खुद माफिया बन गए। नाम बताइए अपना। हेलो नमस्ते, मेरा नाम शुभानी गिरी हुआ जी। नमस्ते, मैं सुमित सिंह चंद्रवंशी गीतकार। तो किरदार, मेरा किरदार क्या है मुझे तो कुछ पता नहीं। भाभी का कैरेक्टर है, मैं इसमें भाभी का कैरेक्टर कर रही हूँ। अच्छा भाभी का, और आप सर बताइए। मैं तो इसमें गीतकार हूँ। सबसे पहले इसमें सारे फिल्म के टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और बहुत अच्छी फिल्म बनाए ये लोग, और गुंजन भाई तो हमारे बहुत अच्छे करीबी हैं, उनको उनके लिए बहुत सारे गाना लिखा है हमने पहले भी, तो मैं कोशिश करूंगा मैं अब तक जो काम किया हूं उससे अच्छा करूं। मैं इनके बैठाने के यहां कारण इसलिए है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे चाचू की शादी में ज़रूर आना, जिस फिल्म को मैंने करके आया उस फिल्म का हीरो यही है मेरे भाई, जिनके बारे में मैं बहुत सारे बात आप लोगों को बताया। अरे आप लोग अब उस पिक्चर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं इनसे। हैंडसम नहीं है सर, ऐसा मत कहिए, हैंडसम नहीं है, नहीं बस कलर को खाली काला कर दिया गया, लेकिन उतना भी हैंडसम नहीं है जितना डीप बोल रहे हैं। क्या है कि वो करेक्टर का डिमांड था। तो कितना टाइम लगता था वो गेटअप लेने में? कम से कम 2.5 घंटा जाता था। हाँ ज़्यादा जाता था, 3 घंटा जाता था। जिस दिन अगर हाफ टी शर्ट हो उस दिन तो पूरा मुझे बॉडी पेंट करना पड़ जाता था, उस दिन 4-4 घंटा इनके मेकअप में जाता था, बहुत टाइम जाता था। अच्छा सुनते में कितने बच्चे डरे थे? बच्चे नहीं डरे तो नहीं थे लेकिन हंसे बहुत थे। हाँ लेकिन सेल्फी सबसे ज़्यादा मैं इसी में दिया, मतलब इस फिल्म में बहुत सेल्फी दिया हूँ, रोज 50-25 सेल्फी दे रहा था, क्योंकि उसको नया लग रहा था, अरे यार ये कौन सा हीरो है यार, कितना तो मैं जब फेसबुक पर डालता था माई न्यू मूवी ये मेरे चाचू की शादी में जरूर आया था, कह रहा भाई तुम हीरो क्यों बन गया यार, मेकअप करने के बाद भी काले लग रहे हो। बहुत सारी फिल्में हैं जो मतलब अच्छे अच्छे डायरेक्टर अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर सब लोगों के साथ मुझे अच्छे अच्छे लेवल पे मुझे काम करने का मौका मिला है, बड़े बड़े प्रोडक्शन में। देखिए आप लोग पार्टनर उदय जी हैं, सुकेश भाई हैं, नई लड़की एक मराठी की भोजपुरी में फर्स्ट टाइम काम करने जा रही हैं, काव्या जी हैं, फादर जी हैं हमारे। किस तरह की फिल्म होगी और इसके फिल्म के कलाकारों के बारे में? फिल्म यूपी की गोरखपुर देवरिया के रियल स्टोर, एक क्राइम के ऊपर फिल्म, और जितने भी करेक्टर हैं सब वहाँ के ओरिजिनल हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग किसी और फिल्म में? नहीं, वो नई फिल्म है जो अप्रैल में जा रही है कश्मीर शूट होने, अभी ये देवरिया में हम लोग जा रहे हैं फरवरी में, एंड ऑफ फरवरी में शूट करने। सर आप क्या कहना चाहेंगे?
हम दोनों साथ में मिलकर पिक्चर बना रहे हैं, बाकी तो सब कर सबसे पहले मैं उदय जी और शंभू जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है भोजपुरी में आने का, और मैं अभी उनके साथ जुड़ा हूँ आगे आने वाले और दो फिल्म के साथ। मैम आपकी पहली भोजपुरी फिल्म है, कितना उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी फिल्म? नमस्ते, मैं दीपाली, मैं फर्स्ट टाइम भोजपुरी फिल्म कर रही हूँ, और जो कि प्रोड्यूसर उदय जी है, पांडे जी है, सुकेश जी है, तो थैंक यू सो मच उनको, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चांस दिया फिल्म में, तो बहुत सो एक्साइटेड हूँ मैं फिल्म के लिए। कितनी तैयारियाँ कर रहे हैं क्योंकि आप मराठी चाहिए तो भोजपुरी बोलना है सब, कितनी भोजपुरी बोलना तो बहुत ही मतलब हार्ड है मेरे लिए, अभी तो ट्रायल कर रही हूँ मैं, देखते हैं अभी क्या होता है, तो सपोर्ट तो है मुझे इतने अच्छे लोगों का। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे सर आपसे? तो कभी से पूछे आप बताइए अपना। अच्छा चलिए बात नहीं, फिल्म वफादार रिलीज होने वाली है मार्च में, उसमें एक्टर हैं शमीम खान, विक्रांत सिंह, हीरोइन है रानी चटर्जी, और मेरा फेवरेट एक्टर संजय पांडे जो मार्च में रिलीज हो रही है। अभी एक और पिक्चर मैंने कंप्लीट किया, मैं हूँ मजनू तेरा, जो जून में या जुलाई में रिलीज होने वाले हैं, उसमें है गुंजन जी हैं, गुंजन सिंह, और दो नई लड़कियां हैं निशा और खुशी कुमारी करके, उसमें अयाज खान हैं, शमीम खान हैं, और बाकी तो अभी इतने बाकी लोगों को तो देखा ही आपने। उदय जी आप क्या कहना चाहेंगे, एक और फिल्म आप जो है कश्मीर में शूटिंग करने वाले, इस बारे में बताना चाहेंगे? नहीं मैं अभी ये होने के बाद ही बोलूँगा। कश्मीर का ऐसा है कि वहाँ की ये ठंड की वजह से नहीं किए, तो हम लोग अप्रैल लास्ट में जा रहे हैं कश्मीर शूट। लेकिन ऐसा क्या है उस फिल्म में जो सर के आपने कश्मीर? हाँ जैसे कि उसका टाइटल है नूर जायरा, कश्मीर की ही स्टोरी, तो उस लोकेशन पर हम शूटिंग करने जा रहे हैं, नारनौल और सोनबर्ग, जहाँ पे पुरानी जो जानी दुश्मन आई थी सुनीलदत्त साहब की, वो उस लोकेशन पर, चूँकि कहानी वहीं की है, तो अगर कहीं और करेंगे तो नाइंसाफी होगी। आपकी तीन मूर्ति उदय जी, सुकेश जी और आप, ये तीन मूर्ति क्या क्या धमाल करने वाले हैं? अभी तो राम नगीना करने जा रही है, उसके बाद कश्मीर वाला है नूर जायरा, अभी तो इतना ही है बस। नई खोज जो है दीपाली गांधी जी, उनको आप लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा नई खोज की आवश्यकता? जैसे कि रितु जी एक हीरोइन है, दूसरी हीरोइन है, तो सुकेश भाई हमसे मिलवाए, बोले कि एक बार देख लो, तो मैं ऑडिशन लिया, मैंने कहा मराठी लड़की है भोजपुरी का प्रॉब्लम आएगा बोलने में, तो इन्होंने प्रॉपर मैंने दिया डायलॉग लेकर इनके प्रॉपर ऑडिशन लिया, और इन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया। सुकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे राम नगीना को लेकर और दीपाली जी को कास्ट करने का? मैं भी बहुत खुश हूँ राम नगीना को लेकर, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और रियल स्टोरी है, और यूपी में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ शूट करने के लिए शंभू जी की वजह से। जो आपकी त्रिमूर्ति टिकड़ी है क्या क्या धमाल करने वाली है? अभी शंभू जी ने आपको बोला ही ना जो आने वाले प्रोजेक्ट्स में, और अभी जो आगे दो फिल्म है उसके साथ भी दीपाली हमारे साथ में जुड़ने वाली है, और भी बाकी जो आर्टिस्ट जो पहले हमारे साथ थे वो भी जुड़ने वाले हैं। दीपाली जी कितना आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर? राम नगीना फर्स्ट टाइम भोजपुरी फिल्म करने जा रही हूँ, तो सो एक्साइटेड तो बहुत हूँ अभी। तो दीपाली जी क्या कहना चाहेंगे, भोजपुरी फिल्म कर रही हैं आप, मतलब क्या बजे रही हैं, क्या खास नजर है आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और जो फिल्में देखी उसके बारे में बताइए, जो कलाकार को जानते हैं? हमेशा मैं भोजपुरी फिल्में देखती थी, तो जो मेरा भी एक था चॉइस था कि मैं कभी भोजपुरी फिल्म करूँ, एक्चुअली मराठी फिल्म मैंने किया है और हिंदी भी जो है मैंने किया है, जो कि कुछ ही दिनों में रिलीज़ भी होने वाली है, तो मैं सोची अभी एक भोजपुरी फिल्म करके देखूँ कि क्या मिलता है उसमें, और सो बहुत मज़ा भी आता है, मैंने सुना है भोजपुरी फिल्म के आर्टिस्टों को भोजपुरी फिल्म करते वक्त, तो एक मेरी चॉइस थी कि मैं भोजपुरी फिल्म। कौन सी भोजपुरी फिल्म देखी थी आपने? मैंने तो बहुत सारी देखी है, खेसारी लाल जी की देखी है, मेहंदी लगा के रखना, राजा बाबू, दिनेश जी की, बहुत सी फिल्में देखी ऐसे, तो बहुत मेरा भी कोई चॉइस था कि मैं भोजपुरी। लेकिन भोजपुरी भाषा सीखा आपने, जानते हैं भोजपुरी के बारे में? हाँ थोड़ी बहुत तो भोजपुरी आती है। अभी कहाँ बुलवा रहे हो यार, एक लाइन नहीं, मीडिया वाले तो नहीं बढ़ जाते हैं, नहीं बुलवाइए।
एक वर्ड तो होना ही चाहिए, एक लाइन बोल दीजिए। नहीं नहीं, आप देखिए फिल्म में जरूर देखिए, फिल्म में आप डबिंग कर देंगे पक्का। ओके थैंक यू, थैंक यू। ओके प्रोजेक्ट के बारे में और पहले खुद के बारे में थोड़ा बताइए। प्रणाम, मैं सिंगर काव्या कृष्णमूर्ति और ये राम नगीना जो मूवी बन रही है, जो भी इस फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्ट्रेस एक्टर जो भी लोग हैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं है मेरे तरफ से। टिकटॉक की बहुत बड़ी फैन रहती हैं आप, टिकटॉक पर ये एक दौर है चल रहा है जो टिकटॉक। आपने बारे में बताइए, प्रोजेक्ट्स किए हैं जो करने वाले, इसके बारे में बताइए। बहुत सारे गाने आए हैं मार्केट में क्यों फिल्म के माध्यम से, और हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उदय जी, तो इनके भी फिल्म में चांस है एक दो गाना गाने का। तो हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे गाने आए हैं, सो आप लोग यूट्यूब पे आप जरूर सुनिएगा काव्या कृष्णमूर्ति लाइव करके। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।